70 की उम्र पार कर चुके अजीत डोभाल के रग में अभी भी ताकत जवानी की है, जिसमें दुश्मन से लोहा लेने का फौलादी दिल है। और हो भी क्यों ना, जब साथ है देश के प्रधानमंत्री का, डोभाल दुश्मन पर पीठ पीछे वार नहीं करते, सामने से वार करते हैं, घुस कर मारते हैं। ऑपरेशन पीओके में अजीत डोभाल ने यही साबित किया है। पीओके में म्यांमार जैसा ही ऑपरेशन कराने वाले थे अजीत डोभाल। पिछले साल जून में भारतीय सेना ने म्यांमार में 2 किलोमीटर अंदर घुसकर उग्रवादियों के कैंप और करीब 100 उग्रवादियों को निस्तनाबूद किया था। 4 जून 2015 को मणिपुर के चंदेल में 18 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए ऑपरेशन म्यांमार हुआ था। अजीत डोभाल आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध में नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े योद्धा है। 48 साल के करियर में अजीत डोभाल का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। इसलिए तो पीएम बनने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी अजीत डोभाल को दी। नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हुए अजीत डोभाल ने 2 साल में ऑपरेशन म्यांमार और ऑपरेशन पीओके करके दिखाया, आतंक के सौदागरों का खून बहाया, लेकिन अपने एक भी जवान का खून नहीं बहने दिया। 1968 में आईपीएस में चुने गए डोभाल ने 48 साल के अपने करियर में ज्यादातर समय जासूस के तौर पर काम किया। अजीत डोभाल ने पूरी जिंदगी आतंकवादियों से निपटने में गुजार दी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अंडरकवर एजेंट के तौर पर डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान के लाहौर में मुस्लिम बनकर रह चुके हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद की रग रग जानते हैं डोभाल। इसलिए तो पीओके में भारतीय सेना घुसकर मार आई और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। डोभाल और मोदी की इस जोड़ी से तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आतंकवाद को ये नेस्तानाबूद कर देंगे।